ऑर्बिट। दो तरीके के सर ऑर्बिट्स आपने मिले। मैक्सिमम हाइट वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे अभी कल कौन से? वाली क्लास सर, एस्केप वेलोसिटी और सर मैक्सिमम हाइट वाली, जैसे सर एक कंट्री से दूसरी कंट्री को अगर मिसाइल फायर की जा रही है वो वाले। हाँ वो ऑर्बिट नहीं था ना, वो तो बस एक जगह से दूसरी जगह चले गए। ओके उसमें सर। डाउट है कोई? उसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर उसमें डाउट नहीं है। हाँ, वो एक अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। ये सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब क्लोज पाथ, ऑर्बिट मीन्स एक रेवोल्यूशन होगा। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं। ऑर्बिट हम दो तरीके से कंसिडर करेंगे। एक सर्कुलर ऑर्बिट लेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टू टाइप ऑफ ऑर्बिट्स, पहले हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए पढ़ेंगे एंड देन जब ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी तो उसको एक्सटेंड कर दोगे आप इलेप्टिकल ऑर्बिट में। तो पहले सर्कुलर ऑर्बिट्स की कंसेप्ट है, सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट। तो इसमें ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई कोई एक प्लेनेट मान ले, फॉर एग्जांपल जिसका मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर हो, और इसके अराउंड कोई सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में है, जस्ट वैसे ही जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एग्जैक्टली सेम भी, जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन है, उसी तरीके से हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि कोई सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। कैपिटल एस सैटेलाइट से डिनोट कर रहे हैं, सैटेलाइट डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इट इज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जगह पर यहाँ पर हमने प्लेनेट मान लिया है, प्लेनेट का मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर। और सैटेलाइट जो है वो सरफेस से, जो प्लेनेट है उसके सरफेस से, फ्रॉम द सरफेस उसका डिस्टेंस हम लोगों ने एच डिनोट किया हुआ है, फ्रॉम सरफेस एच डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें दो तीन क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इस सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी, वी, जिसको हम वी नॉट बोल सकते हैं, ऑर्बिटल स्पीड, कितनी स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये है। तो ये एलिमेंट्री न्यूटन लॉ के ऊपर काम करेगा। कोई भी पार्टिकल ऑर्बिट में है, वो चाहे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, चाहे प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट की बात कर लो, ऑर्बिट में रहने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन ये है, मैंडेटरी कंडीशन, कि देयर मस्ट बी अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑर्बिट। न्यूटन लॉ ऑफ सर्कुलर मोशन अप्लाई करो यहाँ पर। तो कैपिटल एम और सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फोर्स के वाला प्लैनेट टू को ग्रेविटेशनल कैपिटल फोर्स एम उसका वर्क और करेगा यहाँ सैटेलाइट पर। के बीच में एक फोर्स काम करेगी यहाँ पर, जो कि टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द प्लेनेट होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लेनेट, उनके बीच में ग्रेविटेशनल वाली फोर्स आएगी। और उसको लिख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा इनका टुवर्ड्स द सेंटर बाय द न्यूटन यूनिवर्सल लॉ, कैपिटल जी इंटू मास एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय, याद करो स्फीयर और पार्टिकल के केस में डिस्टेंस हमेशा सेंटर से देखा जाएगा, तो फ्रॉम द सेंटर एंड टिल द सैटेलाइट आर प्लस एच, ये बन जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ऑर्बिट के लिए नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए। दैट मींस इट शुड बी इक्वल टू इसका मास एम इनटू वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये पॉइंट मीन ये इक्वेशन जो आई है, यस सर, ये जो यस सर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन द सैटेलाइट विल रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही सेंट्रिपिटल है, और इससे हम निकाल सकते हैं वीओ, विच इज ऑर्बिटल स्पीड, रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। आर प्लस एच को ऑर्बिट का रेडियस भी कह सकते हो, आर प्लस एच को हम स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, ऑर्बिट रेडियस है वो। तो ये पहला रिजल्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर, स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट का फॉर्मूला, एच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। एचसीवी भी साथ में लेके बैठना होगा तुम्हें,
कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट वहां से भी करेगी। सीवी की बुक को आप साथ में लिखिए, मैं बता रहा हूँ, उसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। है नहीं है साथ में है बुक? यस सर, यस वॉल्यूम उसमें साथ साथ लेके बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, बीच में कुछ क्वेश्चंस उससे भी हम अभी अटेम्प्ट करेंगे, साथ ही साथ में ट्राई करेंगे भी। इसी में अगर बहुत स्पेशल केस आ जाए, लाइक कि अगर ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के काफी क्लोज रिवॉल्व कर रहा हो, रिजल्ट क्या बन जाएगा? इफ अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, सर डिनोमिनेटर से एच हट जाएगा, सर लगभग रेडियस हो जाएगा उसका डिस्टेंस, वेरी क्लोज टू सरफेस। हां राइट, वेरी क्लोज टू सरफेस मतलब एच टेंडिंग टू जीरो। उस केस में स्पीड जो आएगी, ऑर्बिटल स्पीड की जो बात करोगे आप, स्पीड इन द ऑर्बिट, वो हो जाएगा रूट ऑफ कैपिटल जी इनटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। बट एक और रिलेशन याद रखना होता है इस पूरे चैप्टर में, स्मॉल जी व्हिच इज कैपिटल जी इनटू एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल जी का ये रिलेशन। तो ये भी यूज करेंगे, जी इंटू एम को रिप्लेस करेंगे, कैपिटल जी इंटू एम को रिप्लेस कर दीजिए तो यहाँ पर रूट वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर, और एक आर नीचे भी होगा तो स्मॉल जी इंटू आर। ये ऑर्बिट की स्पीड होती है, बट वो ऑर्बिट अर्थ के सरफेस के काफी क्लोज होना चाहिए, और ये वैल्यू आती है नियरली कैलकुलेट करने के बाद, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये अराउंड 7.8 के आसपास, मतलब नियरली 8 के आसपास आती है, अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर आर, 8 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास लगभग इतनी आती है अराउंड। सेकंड पॉइंट मतलब ये फर्स्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट जरूर नोट करना, फर्स्ट कंसेप्ट ऑर्बिटल स्पीड का लेकर के, सेकंड कंसेप्ट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, सेकंड पॉइंट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अच्छा ऑर्बिटल स्पीड में एक और चीज नोट करने वाली है, ऑर्बिटल स्पीड में एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि स्पीड इन द ऑर्बिट में कैपिटल एम इन्वॉल्व है, कैपिटल एम का मतलब मास ऑफ अ प्लैनेट इन्वॉल्व है, स्मॉल एम जो सैटेलाइट का मास है वो इन्वॉल्व नहीं है, स्मॉल एम आपके ऑर्बिटल स्पीड के रिजल्ट में नहीं आ रहा है, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो ये ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट ये है कि सैटेलाइट की जो स्पीड होती है वो उस सैटेलाइट के खुद के मास पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मास के अराउंड ऑर्बिट में हो, मतलब जिसके अराउंड ऑर्बिट बनेगा इसके मास पे डिपेंड करेगा, इनडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। ये नोट करने वाला पॉइंट हो गया, मतलब हैवी सैटेलाइट, लाइट सैटेलाइट्स, मॉडरेट सैटेलाइट्स, अगर वो सब एक ही ऑर्बिट में चले तो सबके लिए सेम स्पीड बन जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। अब आइए टाइम पीरियड के ऊपर। सर एक डाउट था, सर आपने ग्रेविटेशन फोर्स को mv नॉट स्क्वायर अपॉन r प्लस h से इक्वेट क्यों करा? सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए, लॉ ऑफ न्यूटन लॉ बोलता है कि सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स की वैल्यू स्क्वायर बाय r होनी चाहिए। नहीं सर वो नीचे r प्लस h देखा ना, तो सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, समझ गया सर। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेकंड पार्ट, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए कैपिटल t, इफ कैपिटल t इज द टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो वो सिंपली ऐसे आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ वन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस ऑफ वन रिवॉल्यूशन मतलब सर्कमफेरेंस, सो इट इज 2 पाई रेडियस आर प्लस एच एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये रहेगा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, मतलब इतना टाइम लगेगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को करने में, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम 2 पाई रूट
टू पाई इंटू आर प्लस एच अपॉन जी एम आर प्लस एच। हम इस आर प्लस एच को स्मॉल आर से भी डिनोट करेंगे, आर प्लस एच की जगह हम स्मॉल आर यूज करेंगे। सो टाइम पीरियड का जो रिजल्ट बनेगा इस तरह देखो, टाइम पीरियड रिजल्ट इज नाउ इट इज टू पाई अपॉन रूट ऑफ कैपिटल जी इंटू एम, और ये आर प्लस कैपिटल आर प्लस एच को रिप्लेस कर दे अगर स्मॉल आर से, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा स्मॉल आर टू दी पावर थ्री बाई टू। वेरीफाई कर सकते इसको अपने आप, टू पाई बाई रूट जी एम और कैपिटल आर प्लस एच को स्मॉल आर लिखिए, तो एक स्मॉल आर और ये रूट स्मॉल आर ऊपर लेके जाएंगे स्मॉल आर टू दी पावर थ्री बाई टू। सो टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अ प्लेनेट और रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इनफैक्ट यहां से एक और पॉइंट सामने आ रहा है, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड दैट मीन्स टी स्क्वायर प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर प्रपोर्शनल टू स्मॉल आर क्यू, टी स्क्वायर प्रपोर्शनल टू स्मॉल आर क्यू। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहां पर प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग रहा है, मतलब जो प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस इक्वेशन में आ रहा है टू पाई कैपिटल जी कैपिटल एम, मतलब अगर मल्टीपल सैटेलाइट्स कई सारे सैटेलाइट्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में सेम प्लेनेट का रिवॉल्यूशन करें, मल्टीपल सैटेलाइट्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो सर उनके लिए कांस्टेंट सेम रहेगा, रिवॉल्विंग अराउंड द सेम प्लेनेट, रिवॉल्विंग अराउंड ना, हाँ ये बात सुनने वाली है, रिवॉल्विंग अराउंड द सेम प्लेनेट, तो ये कांस्टेंट सबका सेम आएगा, सिर्फ स्मॉल आर बदलता रहेगा, और तब हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब सिर्फ तभी कहा जाएगा जब हम कंपेयर करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेम प्लेनेट। मतलब हम ये काम नहीं कर सकते कि एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा सैटेलाइट प्लूटो के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तीसरा सैटेलाइट वीनस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और ये कह दे कि उनके टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। क्योंकि अगर ये सैटेलाइट अलग अलग प्लेनेट्स का चक्कर लगाएंगे तो ये कैपिटल एम सब में अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि ये मास ऑफ प्लेनेट ही यूज कर रहे हो आप। सर केवल एक प्लेनेट के लिए होल्ड करेगा फॉर्म, हाँ सेम प्लेनेट होना चाहिए। मतलब अगर हम अर्थ की बात कर लें तो अर्थ के अराउंड जितने भी सैटेलाइट्स रिवॉल्व करेंगे उनके लिए कह सकते हो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। HCV, page number 225. सर क्या बोल रहे हैं सर? HCV ग्रेविटेशन चैप्टर है, ग्रेविटेशन में HCV का पेज 225 ऑब्जेक्टिव वन, HCV वाली किताब में ऑब्जेक्टिव वन ग्रेविटेशन पेज 225 क्वेश्चन नंबर 10। मिल गया? यस सर। ओके, क्या कह रहा है वो? द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट। टाइम पीरियड सैटेलाइट के मास के इंडिपेंडेंट है बट रेडियस पर डिपेंडेंट है। ऑब्जेक्टिव वन का 10th क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन यही है। सर ये तो सारे प्लैनेट्स के लिए करेगा ना? हाँ सभी के लिए करेगा। ठीक है बोल, ये एक क्वेश्चन था इसके ऊपर। ठीक सर। ठीक यस सर। अब एक क्वेश्चन है यहीं पर, अगर आप ध्यान दो
पेज नंबर 224 पे, पेज 224 और क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसका है मतलब जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है उनका है 14, उसमें लिखा है इज इट नेसेसरी फॉर द प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेलोसिटी देगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ही होगी, मतलब सेंट्रीपिटल। ये मतलब कंपलसरी है, ये कंपलसरी है कि जो ऑर्बिट बने उस ऑर्बिट का प्लेन अर्थ के सेंटर, मतलब अर्थ का सेंटर उस प्लेन में हो। सर होना तो चाहिए, यही पूछा है इन्होंने। यस सर, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, देखो ये 14th क्वेश्चन का पर्पस ये है। फोर्टीन क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाह रहे कि हम लोग अर्थ को अगर वैसे तो स्फेरिकल मानते हो, तो आप डायग्राम में सर्कल ना दिखाओ, अगर आप इसको परफेक्ट स्फेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, एक स्फीयर के फॉर्म में दिखाएं इसको, तो हम ये कहते हैं कि इसके अराउंड ये ऐसा कुछ इसकी इक्वेटर्स होती है, अर्थ की इक्वेटर कुछ ऐसे है, यहाँ पर इसके पोल्स दिखाते हो आप नॉर्थ एंड मतलब साउथ पोल्स, और इसके अलावा इक्वेटर है, सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ कहीं पर होगा। ये जानते हो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? और अर्थ की अपनी कोई एक एक्सिस है जिसके अराउंड वो अर्थ रोटेट कर रही है, अपनी एक एक्सिस है जिसके अराउंड वो ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करती है। वो ये क्वेश्चन ये पूछ रहे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई सैटेलाइट यहां कहीं पर हो, यहां कहीं पर, और वो इस तरीके से अर्थ का चक्कर लगा ले, अर्थ के चारों तरफ चलता रहे सैटेलाइट, क्या यहां पर पॉसिबल है? और कोई दूसरा सैटेलाइट ऐसा है जो इसकी इक्वेटर के मतलब इक्वेटर के पैरेलल चल रहा हो, पैरेलल टू इक्वेटर ऐसे चल रहा हो, एस वन और एस टू आप ऐसे कर दो, क्या ऐसे सैटेलाइट्स पॉसिबल हैं जो जो सैटेलाइट नीचे दिखाया है S2, इसकी जो ऑर्बिट है इसके ऑर्बिट का सेंटर अर्थ के सेंटर पे है, लेकिन जो सैटेलाइट S1 दिखा रहे हैं उसके ऑर्बिट का सेंटर अर्थ के सेंटर पे नहीं है, सैटेलाइट S1 की ऑर्बिट का सेंटर यहां कहीं पर है। तो 14th क्वेश्चन में ये पूछा है उन्होंने यार, क्या इस टाइप से सैटेलाइट का रेवोल्यूशन पॉसिबल है या फिर ये वाला कंडीशन मैंडेटरी है? तो अभी हम लोगों ने क्या बोला था अभी डेरिवेशन करते वक्त कि ऑर्बिट में बने रहने की कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब फिजिक्स में किसी भी बॉडी का मोशन एक ऑर्बिट में रहने की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो फोर्स होना चाहिए वो हमेशा ऑर्बिट के सेंटर की तरफ होना चाहिए, वो चाहे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट हो चाहे वो सैटेलाइट का ऑर्बिट हो। यस, मोशन इन ऑर्बिट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ द फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ऑर्बिट, लेकिन ग्रेविटेशन की फोर्स किस तरफ लगती है? तो ग्रेविटेशन फोर्स सेंटर ऑफ अर्थ पे आता है, यानी अगर यहां पर सैटेलाइट होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इज इट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, इज दिस फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस ऑर्बिट? नो सर, नहीं होगा। नो सर, इसका ऑर्बिटल मोशन पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ के हिसाब से बड़ा क्लियरली ये बात कही गई है, ऑर्बिटल मोशन होने के लिए फोर्स का डायरेक्शन ऑर्बिट के सेंटर की तरफ होना चाहिए, ना कि अर्थ के सेंटर की तरफ। सर, इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो ऑर्बिट के सेंटर की तरफ पॉइंट नहीं, मतलब अच्छा टोटल फोर्स की बात की है उन्होंने, कंपोनेंट्स का मतलब नहीं है,
क्योंकि जितने भी सैटेलाइट मोशंस हैं वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म स्पीड पर होते हैं। सैटेलाइट्स जितने भी चलते हैं या जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं ये सब कांस्टेंट स्पीड पर चल रहे होते हैं, तो इनमें कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं आ सकता, इनमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिपेटल फोर्स होना चाहिए और उसका डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर, कंपोनेंट भी नहीं। पर सर जैसे जब सेंट्रिपेटल फोर्स के न्यूमेरिकल्स करते थे सर, तो जो फोर्स मतलब प्लेन पर नहीं आता था उसको वर्टिकल लेते थे और उसको बैलेंस कर देते थे। और कौन बैलेंस करेगा यहाँ पर F के डाउनवर्ड कंपोनेंट को, कौन बैलेंस करेगा? एक ही तो, यहाँ तो सिंगल फोर्स लगा हुआ है ग्रेविटेशन ना, बैलेंस कौन करेगा उसको? ये तो समझ गया सर, ये सैटेलाइट फॉल कर जाएगा नीचे। सो एस वन कैन नॉट रिमेन इन द ऑर्बिट, वो गिर जाएगा। एस टू की बात करें तो क्योंकि इस ऑर्बिट का सेंटर और अर्थ का सेंटर कॉमन है और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ के सेंटर की तरफ है, बट वही चीज ऑर्बिट का भी सेंटर है, तो यहां पर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ भी है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑर्बिट भी है और न्यूटन लॉ जस्टिफाई हो रहा है, दैट मीन्स एस टू कैन मूव इन दिस ऑर्बिट। मतलब जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं वो सब इक्वेटर के अराउंड ही चलते हैं, कोई ऐसा सैटेलाइट नहीं है जो इक्वेटर के अलावा किसी और एल्टीट्यूड पर जाए, किसी और लैटिट्यूड पर पॉसिबल नहीं है। ऑल सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग पैरेलल टू द इक्वेटर्स। तो ये भी देखो ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी हैं कुछ, हर कंट्री सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकती, और करेगी तो उसका ऑर्बिट उसकी कंट्री के ऊपर होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से इक्वेटर की लाइन हर कंट्री से तो पास होनी चाहिए। नो सर। तो सिर्फ हाँ, तो सिर्फ वो कंट्रीज जो ज्योग्राफिकल लोकेशन उनकी ऐसी हो कि इक्वेटर उनसे पास होता हो, उनके सैटेलाइट्स उनकी कंट्री के ऊपर दिख सकते हैं। बाकी कंट्रीज को अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो उनको दूसरी कंट्री से हेल्प लेनी पड़ती है, बिकॉज ऑर्बिट जब हमारी कंट्री के ऊपर से नहीं जा सकता तो हम किसी और कंट्री से हेल्प लेंगे, और इसीलिए फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छे बनाए जाते हैं, बिकॉज सैटेलाइट लॉन्च करना आपको मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग की नीड है आज के जमाने में, उसके बिना कई सारे काम रुक जाएंगे। सर तो मतलब जो S1 सैटेलाइट होगी है S2 वाले की ऑर्बिट से एक एंगल पे मूव करेगी। S2 तो है ही, कौन सा? सर ये S1 वाली मतलब जो इसका मूवमेंट होगा वो एक एंगल पर होगा इक्वेटर के। हाँ, ये फिलहाल ये ऐसे तो नहीं बन सकता, S1 कैन नॉट मूव लाइक दिस, ये तो क्लियर, बट यस वी कैन हैव अ सैटेलाइट एट दैट पॉइंट आल्सो, वी कैन हैव अ सैटेलाइट हियर, बट उसका जो ऑर्बिट है इट मस्ट बी टिल्टेड ऑर्बिट। यस, उस पे एंगल पे होगा। वी हैव अ सैटेलाइट एट दिस पॉइंट, मतलब अर्थ के पोलर रीजन की तरफ, जो अर्थ का पोल है उसके आसपास अगर कहीं सैटेलाइट लॉन्च हो रही है तो हो सकता है, बट उसका ऑर्बिट फिर कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, डायगोनली होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, उसका ऑर्बिट कुछ ऐसे होना चाहिए, सो दैट ऐसा कुछ। अब ऐसे में क्या होगा, इसकी ऑर्बिट का सेंटर और अर्थ का सेंटर कॉमन हो जाएगा, ये ऑर्बिट पॉसिबल है, ऐसा ऑर्बिट पॉसिबल है, ये भी ऑर्बिट पॉसिबल है। अब आप समझ में आएगा 14th क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने? यस सर, यस सर। क्या ऐसा हो सकता है कोई ऑर्बिट जो नॉर्थ साउथ पोल, ऐसा ऑर्बिट जो नॉर्थ साउथ पोल को टच करता हुआ चले ऐसे? यस सर, यस सर, तब भी सेंटर वही होगा। इनको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट्स, ये कहलाते हैं आपके पोलर ऑर्बिट्स, ऐसे ऑर्बिट्स जो पोल के ऊपर नीचे से जाए, और ये भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, मतलब अर्थ के पोल की स्टडी करने के लिए यहां से भी सैटेलाइट को पास किया जाता है ताकि हमको ये मालूम चले कि पोल्स पर क्या हो रहा है। इक्वेटर के ऊपर से भी सैटेलाइट पास होती है, बाकी लैटिट्यूड से भी पास होते हैं और लैटिट्यूड से, लेकिन ये जो होते हैं वो टिल्टेड किसी एंगल के ऑर्बिट्स होंगे। ये
आगे बढ़ें तो ये पॉइंट हो गया, मतलब ऑर्बिट्स का कंसेप्ट हो गया आपका कि ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल टाइम पीरियड एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑर्बिट्स अ सैटेलाइट कैन हैव। यस सर, समझ गया। राइट, चलिए ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, इन सारे ऑर्बिट्स में कौन सा ऐसा ऑर्बिट है जिसमें रिवॉल्व करते वक्त एंगुलर वेलोसिटी और अर्थ की अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शंस में आएंगी। मतलब ये तीन ऑर्बिट सामने डायग्राम में है, एक S2 वाली ऑर्बिट है, एक ये वाली टिल्टेड ऑर्बिट है, एक ये पोलर ऑर्बिट है, तो इनमें से कौन से ऑर्बिट ऐसा है, कौन सा ऑर्बिट ऐसा है जिसके अंदर सैटेलाइट अगर रिवॉल्व करे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अर्थ के खुद की अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाले एंगुलर वेलोसिटी से कोइंसाइड कर जाएगा, या यूं कह लीजिए पोलर। नहीं सुन तो लो, यूं कह लो, जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ खुद रोटेट कर रही है, इनमें से वो कौन सा ऑर्बिट है जिसका एक्सिस ये वाली एक्सिस बन रही होगी, मतलब अर्थ के रोटेट करने की एक्सिस और ऑर्बिट की एक्सिस कॉमन हो जाए, ये कौन सा ऑर्बिट है, पोलर वाला है, टिल्टेड वाला है या इक्वेटर के ऊपर वाला है? सर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल ये वाला। जो इक्वेटर के चारों तरफ आप चलोगे ना तो इस ऑर्बिट की एक्सिस अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से कॉइंसाइड कर जाएगी। ऐसे में अगर हम कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से h डिस्टेंस ऊपर रखते हैं, अर्थ के सरफेस से h डिस्टेंस ऊपर कोई सैटेलाइट रखो, और इस तरीके से कि वो सैटेलाइट अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 24 आवर्स ले, ऐसा सैटेलाइट ले, एक ऐसा सैटेलाइट जिसके ऑर्बिट की एक्सिस अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से कोइंसाइड कर जाए, प्लस वो ऑर्बिट अपना एक रेवोल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट करे, जो अर्थ का भी टाइम पीरियड है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्पॉट को ऑब्जर्व करेगी। हाँ, ये कंडीशन में क्या होगा, ये सैटेलाइट हमेशा अर्थ की एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ही दिखेगा आपको, सर स्टेशनरी दिखेगी हमें वहां से अर्थ। मतलब अगर इस यहाँ पर कोई बंदा होगा, यहाँ पर कोई पर्सन अगर अर्थ के ऊपर होगा तो ये बंदा भी तो रिवॉल्व करेगा ना, अगर आप इसको स्पेस में से देखोगे ना, अगर हम स्पेस में से देखेंगे तो ये पर्सन अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहा होगा, साथ में ये सैटेलाइट भी घूम रही है और दोनों सेम टाइम पीरियड से घूम रहे, तो इस बंदे के हिसाब से या इस बंदी के हिसाब से ये सैटेलाइट मोशन में होगा या फिर रेस्ट पे होगा? सर रेस्ट पे होगा ये दोनों। और ऐसी सैटेलाइट्स को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टैंड फॉर अर्थ। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के ऊपर से देखने पर रुका हुआ दिखाई दे, बट एक्चुअल में वो रुका हुआ है नहीं, वो हमको रुका हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है कि जितनी स्पीड से हम रिवॉल्व कर रहे हैं उतनी ही स्पीड से वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं। बट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन और कंडीशंस क्या बन रही है, पहली बात, नंबर वन कंडीशन देखिए, पहली बात तो ऑर्बिट की एक कंडीशन है वो क्वेश्चन 14 के हिसाब से, ऑर्बिट की एक कंडीशन ये है, सेंटर ऑफ ऑर्बिट मस्ट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ अर्थ, ये तो आपके किसी भी ऑर्बिट की कंडीशन है। अब आइए दूसरे पॉइंट पर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऑर्बिट की क्या कंडीशन है, तो उसकी कंडीशन ये है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट इक्वेटर के पैरेलल होना चाहिए, ये वाला जियो स्टेशनरी कभी नहीं हो सकता, पोलर ऑर्बिट जियो स्टेशनरी कभी नहीं हो सकते, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हमेशा इक्वेटोरियल इक्वेटर वाली लाइन के ऊपर ही दिखेंगे,
पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, इन ऑर्बिट्स में सैटेलाइट के रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड और अर्थ के रोटेट करने का टाइम पीरियड मैच करता है, बराबर हो जाता है 24-24। मतलब ये हुआ कि ये सैटेलाइट एक तरीके से अर्थ के साथ साथ ही चल रहा है, ये सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ चल रहा है, और इसीलिए अर्थ से देखने पर ये रुका हुआ दिखता है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये अराउंड कितनी हाइट पे होते हैं, तो अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, विच वाज 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कैपिटल जी इनटू एम, और यहां पर आर प्लस एच टू द पावर 3/2, अभी जो डेरिवेशन की थी। उसके अलावा ये रिजल्ट हमेशा माइंड में रखना है, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर स्मॉल जी होता है, तो जी इंटू एम को रिप्लेस भी कर सकते हैं, जी इंटू एम को रिप्लेस करके स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर कर लीजिए, और इसमें सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, टाइम पीरियड की जगह पर 24 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड जी 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ, सो जी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, टाइम पीरियड की वैल्यू पता है, अननोन सिर्फ एक एच है, और प्रोग्रामिंग के साथ जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एच की वैल्यू आती है अराउंड 36,000 किलोमीटर कैलकुलेशंस के बाद। और ये उस बुक का 15th क्वेश्चन भी है, उसी बुक का 15th क्वेश्चन भी है ये। एसईबी के 14th के जस्ट नीचे 15th क्वेश्चन है, उसमें पूछा भी है तुमने, Why any satellite moving at this height be a geostationary satellite? जब 36,000 किलोमीटर की हाइट पर जो सैटेलाइट है वो geostationary क्यों है? तो आंसर उसका ये होगा, because this satellite will take 24 hours to complete the orbit, and Earth will also take 24 hours to complete the rotation about axis. So they will appear stationary for each other. पर्सन को लगेगा सैटेलाइट रेस्ट पर, सैटेलाइट को लगेगा पर्सन रेस्ट पे, इट इज जस्ट लाइक रिलेटिव वेलोसिटी, कि दो पर्सन अगर सेम वेलोसिटी से चले तो वो एक दूसरे के रिलेटिवली, एक दूसरे के रिलेटिवली वो रेस्ट पे हैं, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन सेम है, और सेम डायरेक्शन करने के लिए ही मैंने कहा था यहाँ पर कि दोनों के रोटेट करने का तरीका सेम होना चाहिए, इनके एक्सेस कॉमन होने चाहिए, अदरवाइज दो पर्सन सेम स्पीड से अलग अलग डायरेक्शंस में अगर चलेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उनके बीच, दो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में चलवा दो आप सेम स्पीड से, तब भी इनमें रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा, व्हाई एनी सैटेलाइट मूविंग एट दिस हाइट बी अ जियोस्टेशनरी, आंसर इज एज दिस सैटेलाइट विल हैव सेम एंगुलर स्पीड as of rotation of earth, और उसके आगे पूछ भी रहे, will any satellite moving at this height have a time period of 24 hours? क्या लिखेंगे, yes or no इसका answer? Yes sir. Yes sir. Mass पे depend करता नहीं है। ठीक ठीक है, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे 16th, no part of India, मतलब अपनी कंट्री के बारे में कह रहे हैं, is situated on the equator, नहीं जाती अपने यहां से इक्वेटर की लाइन पास नहीं होती, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है, इसको बदल नहीं सकते। इज इट पॉसिबल टू हैव अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विच ऑलवेज रिमेन्स ओवर न्यू दिल्ली? नो सर, नो सर, नो सर। जब हमारी जब इस ये ऑर्बिट इक्वेटर के ऊपर से जा रही है और इक्वेटर इंडिया में है ही नहीं, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंडिया के किसी भी सिटी के ऊपर नहीं आएंगे, तो इंडिया की ये मजबूरी भी बनती है कि वो दूसरी कंट्री से हेल्प ले, मतलब चॉइस नहीं है हमारे पास कोई, हमें दूसरी कंट्री से हेल्प लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की इंपॉर्टेंस वेदर के लिए होती है, वेदर फोरकास्ट करने के लिए, ये स्पाई सैटेलाइट भी कहलाते हैं, मतलब स्पाई सैटेलाइट्स इसलिए होते हैं कि ये एक तरीके से सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करते हैं,
स्पेस में लगे हैं, तो कई चीजों के लिए जरूरत होती है। बट या तो हम दूसरी कंट्री के सैटेलाइट को रेंट पर लें, या अपना सैटेलाइट दूसरी कंट्री के ऊपर से पास कराओ, ये सब करना पड़ता है। हाँ, क्या कह रहे थे सर? मैं ये पूछ रहा हूँ सर, अभी इसमें 15th वाले क्वेश्चन के फर्स्ट वाले पार्ट में पूछा गया था कि सर विल एनी सैटेलाइट मूविंग एट दिस हाइट बी अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, तो सर नो होगा अगर क्योंकि इक्वेटर मेंशन नहीं है यहाँ पे। हाँ सर, इक्वेटर मेंशन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुनो तो मेरी बात। क्या लिखा है सर? कोई भी सैटेलाइट किसी भी रैंडम पॉइंट पे 36,000 किलोमीटर की हाइट हो तो सर इसका नो होगा ना? वो नहीं होगा, नहीं। उसमें उसमें वो इक्वेटर लाइन नहीं लिखी है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। इक्वेटर होना जरूरी है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा यार। सॉरी, 15th में नो हो जाएगा बिकॉज इक्वेटर नहीं लिखा उसमें। यस सर, चलिए। अब 18th क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 18 सर, इसको भी जल्दी कर दो। 18th क्वेश्चन में टू सैटेलाइट्स गोइंग इन इक्वेटोरियल प्लेन, क्या मतलब हुआ इसका? टू सैटेलाइट्स गोइंग इन द इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब ये कुछ ऐसा ही। जियो स्टेशनरी के लिए हाइट भी तो 36,000 हो ना यार। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब उनका ऑर्बिट इक्वेटर के पैरल है, इक्वेटर के पैरल ऑर्बिट से, बस इतना ही मतलब है। और दे हैव सेम रेडियाई, ये सेम रेडियस किसके हैं, ऑर्बिट के या सैटेलाइट्स के? सर उनके ऑर्बिट्स के, देखो तो। अब उसमें कह रहे हैं कि एज सीन फ्रॉम द अर्थ वन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड द अदर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या दोनों का सेम टाइम पीरियड होगा? नो सर। क्यों? टाइम पीरियड ये है और सर जो अर्थ के डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा उसको मतलब वेलोसिटी से मूव रिलेटिविटी है सर। अर्थ का रोटेशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ है या वेस्ट से ईस्ट की तरफ है? सर ईस्ट से वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट होता है आपका बच्चा, वेस्ट से ईस्ट होता है अर्थ। हाँ, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट आती है, तभी तो सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बिकॉज एक्चुअली मोशन सन का थोड़ी होता है, मोशन तो अर्थ का होता है ना। तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो जो सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट चलेगा वो अर्थ के साथ साथ चलेगा। यस सर, रिलेटिव वेलोसिटी उसी कम होगी। तो जो अर्थ के साथ साथ चलेगा उसका टाइम पीरियड तो, और एक अर्थ के अपोजिट चल रहा है देखने पर। सर दूसरा वाला हो सकता है, वो स्टेशनरी भी हो क्योंकि वो अपोजिट दिख रहा है। अच्छा एक बात बताइए ना, टाइम पीरियड क्या हमारे देखने पे डिपेंड करता है यार? मतलब क्या टाइम पीरियड फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है कि एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में जो टाइम ले रहा है, क्या वो चीज इस पे डिपेंड करेगी कि हम लोग कहाँ देख रहे हैं उसको? नो सर। मतलब कि सुनिए ध्यान से, हाँ ये कह रहा हूँ कि सैटेलाइट एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है या क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, क्या इससे रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा? नो सर, नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज करो चाहे सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज कर लो, टाइम तो उतना ही लगना है आपको। यस सर। और टाइम फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी तो है नहीं? नो सर। ठीक है, तो आंसर सेम हो जाएगा इसमें। पर सर इसमें कहा गया एज सीन फ्रॉम द अर्थ, तो सर जो अर्थ के साथ रोटेट कर रहा होगा उसकी तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि वो अर्थ से देखने पे भी लग रहा है कि आगे की ओर वो जा रहा है, तो सर टाइम पीरियड चेंज हो जाना चाहिए मतलब।
चेंज होगा नहीं, हमें लगेगा। देखिए ऐसे सुनो ना, जैसे मान लो एक पार्क में दो लोग चक्कर लगा रहे हो, इसको ऐसे समझो, मैं बता रहा हूं क्या है इसका फर्क क्या है। एक्चुअली सैटेलाइट मोशंस को समझना इतना आसान नहीं है, इसको सिर्फ अगर फॉर्मूले से देखोगे ना कि जस्ट दो फॉर्मूला याद कर ले और हो गया मेरा, नहीं हो पाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये वाकई में हमें थॉट प्रोवोक करते हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं, आप मान लो मॉर्निंग वॉक पर किसी राउंड स्टेडियम पर गए, मतलब क्रिकेट स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम, और दो लोग चक्कर लगा रहे, दो पर्सन हैं और वो इस स्टेडियम के चक्कर लगा रहे, पर्सन वन पर्सन टू, ठीक है, पर्सन वन पर्सन टू चक्कर लगा रहे, यस सर, और ये दोनों अलग अलग ऑर्बिट्स में हैं, ये दोनों अलग अलग, मतलब पर्सन वन का जो रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन है वो कुछ ऐसा है, ये ऐसे चल रहा है v1 स्पीड से, और यहीं पर एक और ऑर्बिट है उसमें एक दूसरा पर्सन है वो मान लीजिए p2, वो भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है v2 स्पीड से, और दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया एक जगह से, लेकिन एक पर्सन थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा है और एक पर्सन स्लो मूव कर रहा है, एक फास्ट है एक स्लो है मान लेते हैं, मान सकते हैं ना, मान लीजिए v2 फास्ट है, तो क्या ये इस पॉइंट पर एक साथ वापस आ जाएंगे? नो सर, नो सर, नो सर, मतलब v2 वाला जब अपना पूरा एक चक्कर कर लेगा, v2 वाला एक चक्कर पूरा लगा के, एक बार पूरा चक्कर लगा के वापस यहां पर आ गया, क्या पर्सन वन भी इसी जगह पे होगा या कहां रह गया होगा वो? सर वो थोड़ा आगे चल, नहीं वो थोड़ा पीछे रह गया होगा, पीछे रह गया होगा ना, बिकॉज ये फास्ट है, तो ये अपना एक रेवोल्यूशन मान लो कंप्लीट करके वापस आ गए, पर्सन वन अपना एक रेवोल्यूशन तो पूरा कर ही नहीं पाया होगा, वो बीच में ही कहीं फंस जाएगा, यहीं कहीं रुक जाएगा। यस सर, लेकिन यानी पर्सन टू आगे निकल गया, पर्सन वन पीछे रह गया, इससे फिर पर्सन टू और आगे जाएगा, ये क्या कभी भी आमने सामने नहीं आ पाएंगे फिर से? कभी ये एक साथ नहीं हो सकते? सर हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। यस सर, सो स्टार्टिंग पॉइंट पे भले ना हो लेकिन किसी और पॉइंट पे हो सकते हैं। हाँ, ये मैं ये नहीं कह रहा कि जहां स्टार्ट किए वहीं दोनों साथ साथ आ जाए, बट इस स्टेडियम के कहीं पर तो ऐसा हो सकता है ना कि ये दोनों फिर अगल बगल आ जाए। यस सर, जहां पर ऐसा होगा ना वो चीज अपेरेंट टाइम पीरियड कहलाएगी, अपेरेंट टाइम पीरियड या रिलेटिव टाइम पीरियड बोलोगे उसको, वो होगा टाइम पीरियड जो एक पर्सन दूसरे पर्सन की को देखेगा। दो तरीके के टाइम पीरियड से, एक टाइम पीरियड है एब्सोल्यूट, ये 10 सेकंड में अपना चक्कर पूरा कर रहा है तो इसके हिसाब से 10 सेकंड टाइम पीरियड है, लेकिन 10 सेकंड में ये दूसरे पर्सन के सामने नहीं होगा, क्योंकि जब ये 10 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करके आ गया, उसी 10 सेकंड में पर्सन वन उससे पीछे रह गया, यानी ये दोनों पर्सन फिर अगल बगल 10 सेकंड से तो ज्यादा ही लेंगे टाइम। यस सर, यस सर, देखिए आपने स्टार्ट किया एक साथ, मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोगों ने एक साथ यहां से स्टार्ट किया, लेकिन ये जल्दी दौड़ के आगे, ये धीरे धीरे चल रहे थे पीछे रह गए, तो इस पर्सन ने जब अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर लिया मान लो 10 सेकंड में, तो ये पर्सन इनके बगल में नहीं मिलेगा, वो पीछे रह गया। हाँ, कुछ टाइम बाद ये फिर अगल बगल आ ही जाएंगे, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि ये फिर से अगल बगल हो जाएंगे, लेकिन वो 10 सेकंड नहीं होगा, उससे कुछ ज्यादा टाइम होगा। ठीक है, वो चीज कहलाएगी हमारे लिए, वो चीज कहलाएगी पर्सन वन का टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन टू,
टाइम पीरियड ऑफ पर्सन वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन टू, मतलब जब दो लोग रिवॉल्व करें, दो लोग एक साथ रिवॉल्व करें, तो उनका टाइम पीरियड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब कि वो टाइम जब वो फिर से अगल बगल आ जाए, फिर से अगल बगल आ जाए, इसके लिए देखो, आप इधर देखो, पेज नंबर 223 पर, सर एक बार रिपीट कर दीजिए कि लिख लें, वही समझा रहा हूँ, रुक जाओ, सब समझा रहे हैं, पेज 223 पर आओ और सॉल्व एग्जांपल 13 सॉल्व एग्जांपल देखो जरा, पेज नंबर 223 सॉल्व एग्जांपल 13 समझा रहे इसको क्या करना है, उस एग्जाम्पल से पहले मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, एक बार और देखो इसको समझो, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये दो सर्कुलर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर पार्टिकल ए है और यहाँ पर पार्टिकल बी है, मुझे ये पता है कि ए वाले पार्टिकल को 10 सेकंड लगेंगे एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में और बी वाले पार्टिकल को 15 सेकंड लगेंगे एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, ये मान लो दिया जाए आपको कि ये 10 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करेगा, ये 15 सेकंड में करेगा, और अभी ये दोनों बिल्कुल ऐसे हैं, ए और बी के बीच में ये फोर्स, ये कंडीशन है, आप खुद बताओ 10 सेकंड के बाद कौन कहां पे होगा, बताइए, ये जो लाइन है ये टी इक्वल टू जीरो की है, टी इक्वल टू जीरो पर यहां तो आप 10 सेकंड बाद ए कहां पे होगा और बी कहां पे होगा, सर ए अपनी इसी पोजीशन पे लौट आएगा और बी थोड़ा पीछे होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है, तो अगर हम 10 सेकंड बाद देखेंगे तो ए वाला पॉइंट वापस यही आ गया, यस सर, लेकिन बी तो यहां नहीं होगा ना, क्योंकि उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में 15 सेकंड चाहिए, तो 10 सेकंड के बाद ए वाला तो वापस यहां पे होगा, लेकिन उसी 10 सेकंड के बाद बी वाला पीछे होगा, बी वाला इस पॉइंट पर कब आएगा, यहां पर सर 15 सेकंड के बाद, 15 सेकंड में, लेकिन तब तक ए वाला और आगे निकल चुका होगा सर, 30 सेकंड्स बाद आ जाएंगे दोनों यहाँ पे, तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये फिर अगल बगल होंगे, हाँ बताओ क्या कह रहे हो, 30 सेकंड्स वो कैसे पता लगाया आपने, 30 सेकंड्स कैसे मालूम चला आपको, सर दोनों के टाइम पीरियड का, बोलो वही दोनों ले लिया, तो 30 सेकंड्स में क्या होगा, 30 सेकंड बाद अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा होगा, सब आपका पॉइंट सही है, 30 सेकंड बाद अगर हम देखें तो ए वाला कितने चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, सर तीन और बी वाला दो और फिर ये अगल बगल आ गए, तो 30 सेकंड के बाद ये दोनों फिर अगल बगल आएंगे, जो जो कंडीशन इनकी स्टार्टिंग में थी वो अब 30 सेकंड बाद रिपीट होगी, तो वो जो 30 सेकंड है ना, 30 सेकंड वो कहलाएगा टाइम पीरियड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या फिर टाइम पीरियड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो कहलाएगा हमारा 30 सेकंड्स, सो अपेरेंट टाइम पीरियड, हाँ तो मैंने ये एग्जांपल तुमको 10 सेकंड 15 सेकंड के हिसाब से दिया है, 13th वाला क्वेश्चन जरा अपने यहाँ देखो, 13th वाला, क्वेश्चन अगर आप देखो, करिएगा ट्राई इसको, वैसे अपने आप करने लायक ही है,
बट अच्छा क्वेश्चन, इसको करना जरूर, अभी अभी के लिए छोड़ दे रहे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए अभी अभी के लिए छोड़ दे रहे इसको, 13th अपने आप करोगे। आगे बढ़ते हैं, हाँ एक सेकंड यार, अगर यही इसमें 30 सेकंड आ रहा है, ठीक है अब सुनो, अगर यहीं पर ए और बी के टाइम पीरियड 10 और 15 हो, लेकिन लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू करे, ए इधर चले और बी इधर चले, ये कब फिर से अगल बगल आ सकते हैं? सोचो ना, दो पर्सन ग्राउंड पे गए, एक ने ऐसे दौड़ना स्टार्ट किया, एक ने ऐसे दौड़ना स्टार्ट किया, क्या तो कभी ऐसा नहीं होगा जब ये दोनों फिर अगल बगल आ जाए, इधर ए वाला इधर से दौड़ रहा है, बी वाला इधर दौड़ रहा है, क्या क्या कभी ऐसी जगह नहीं आएगी जब ये फिर आमने सामने आ जाएंगी? यस सर, हाँ सर। और वो क्या 10 सेकंड से भी छोटा टाइम नहीं होगा? यस सर, यस सर। प्रैक्टिकल सोच के देखो, ए वाला इधर की तरह भाग रहा है, बी वाला अपोजिट भाग रहा है, अगर दो लोग ऐसे ऐसे भागे ग्राउंड पे तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा जब फिर आमने सामने आ जाओगे, और वो किसी का भी रिवॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ अभी। यस सर। तो इस केस में अपेरेंट टाइम पीरियड क्या है, 10 सेकंड से ज्यादा या 10 सेकंड से कम? सर 10 सेकंड से कम। सर कम, कम हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब एचसीवी के उस क्वेश्चन का आंसर बोलो क्या होना चाहिए, 18th क्वेश्चन का, मतलब एक्चुअल में तो ये 10 सेकंड में ही अपना कंप्लीट करेगा, लेकिन बी वाले को ऐसा लगेगा कि यार हम लोग 10 सेकंड से भी कम टाइम में फिर आमने सामने आ गए, जब ये अपोजिट रिवॉल्व करेंगे, और जब ये सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे तो ये आमने सामने आने में 30 सेकंड ले रहे थे। तो इसमें जो सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है वो अर्थ के डायरेक्शन में चल रहा है, जो सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ है, तो ये पहला वाला केस हो गया जब ए और बी सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, तो इनका एपरेंट टाइम पीरियड ज्यादा होगा, और जो सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट है मतलब अर्थ के अपोजिट, वो ये वाला केस हो गया, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, उनका एपरेंट टाइम पीरियड कम आएगा। लेकिन उनके एब्सोल्यूट टाइम पीरियड पे तो कोई चेंज नहीं होगा ना? एब्सोल्यूट नहीं, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर हम देखेंगे तो हमको देखने में क्या लगेगा, तो इसका मतलब ये है, देखने वाले का मतलब हुआ कि हमारे हिसाब से तुम्हारा क्या टाइम पीरियड है, इसका मतलब ये हुआ हम लोग कितने टाइम बाद फिर आमने सामने होंगे, वो टाइम पूछा जाता है। आगे बढ़े भाई, बोलो ये दो टॉप दो पॉइंट्स के बाद। यस सर। तो ये 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूले के बियॉन्ड भी है, उसके बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट, सर्कुलर ऑर्बिट्स में एनर्जी का कंसेप्ट, दो कंसेप्ट हो गए थे, ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड, ऑर्बिट वही पॉसिबल हैं जिनका सेंटर अर्थ के सेंटर से कोइंसाइड करे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, उनका टाइम पीरियड क्या हुआ, ये सब कंडीशंस हो गई। नाउ एनर्जी, तो कैपिटल एम कैपिटल आर का कोई एक प्लेनेट है, एंड अगेन उसके अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट है। सर एक डाउट पूछना था। सर अगर दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या ये कह सकते कि दोनों का अपेरेंट टाइम पीरियड इनफिनाइट होगा? ट्रांसलेट कर रहे हैं, ऑर्बिट में नहीं है वो। हाँ ये सर, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो नहीं, ट्रांसलेट तो ये भी कर रहा है, लेकिन ट्रांसलेट स्ट्रेट लाइन में कर रहे हो कि ट्रांसलेट सर्कुलर लाइन पे कर रहे हो, ये भी ट्रांसलेट ही है। यस सर, सॉरी सर, ये स्ट्रेट लाइन में सर, रेक्टिलिनियर सर। हाँ तो उनका इनफाइनाइट हुआ, वो कभी आमने सामने नहीं आएंगे। यस सर। इसको सुनो,
ये पूरा डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है जिसको ऑर्बिट का रेडियस कहोगे, और ये रिवॉल्व कर रहा है कुछ वी स्पीड से, और ये हम अभी डिराइव कर चुके हैं, स्पीड को डिराइव कर चुके हैं, विच वॉज रूट ऑफ कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये अभी डिराइव हो चुका है हमारा टाइम पीरियड और स्पीड। अब मेरी डेरिवेशन है एनर्जी को लेकर के, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, सीधा सा रिजल्ट, हाफ मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल एम एंड इसकी स्पीड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो कल डिस्कस हो चुका है, स्फीयर और पार्टिकल के बीच अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हो, बिटवीन स्फीयर एंड अ पार्टिकल, देन पोटेंशियल ऑन माइनस जी आर, एंड देन इनको ऐड करके टोटल एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से, काइनेटिक एनर्जी को के से, मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ दीज टू, इन दोनों का टोटल करेगा। तो आप देख लो स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, और फिर जब टोटल वगैरह करोगे तो ये आंसर बन जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर, ये मैकेनिकल एनर्जी बनेगी। यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक, आप सुनो। ये सब देखो जो एनर्जीज है वो दोनों के मास पे डिपेंड कर रहा है, अभी तक के जो रिजल्ट्स आए थे वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, मतलब स्पीड इसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, टाइम पीरियड इसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन एनर्जी वो दोनों के मास पे डिपेंड करेगा प्लस रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर भी डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव। यस सर, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, इसका स्क्वायर रूट, हाँ, इसका मतलब कुछ बातें यहां से क्लियर हो रही हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी में टू मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस वाली एक्सप्रेशन में टू मल्टीप्लाई करें तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसमें आप इनटू टू करें, यानी कि टू टाइम्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। सर ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ, बिकॉज वो सिमिलर चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन और प्लैनेट्स के मोशंस और सैटेलाइट के मोशंस परफेक्ट एनालॉग है। ठीक है, यहां तक पॉइंट्स क्लियर? यस सर, यस सर। अब जरा समराइज करके देखिए चीजों को समराइज करूं। ऑर्बिटल स्पीड, सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड द मास ऑफ द प्लैनेट, और वो डिवीजन वो 1/√r था, 1/√r। टाइम पीरियड की बात करें तो ये प्रोपोर्शनल टू r पावर टी स्क्वायर आर क्यूब पे था, बट टाइम पीरियड r टू द पावर 3/2 पे डिपेंड कर रहा, और एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ये 1/r है, साथ में माइनस अलग से, तो हम माइनस 1/r कर रहे हैं इसको। इसका मतलब अगर ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा होगा मतलब अगर हम ये कह दें कि ऑर्बिट रेडियस मोर ज्यादा करें, अगर ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा कर देंगे क्या बोलोगे आप, ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? प्रोपोर्शनल टू 1/√r।
less speed because root r denominator में one upon root r है, r ज्यादा हुआ तो स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन r ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. यस सर, मोर टाइम पीरियड. और एनर्जी सर ये भी बढ़ेगा, वन बाई आर है और एनर्जी. तो अगर आर को इंक्रीज करेंगे डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये पूरी माइनस वन बाई आर है, लेकिन पूरी तो बढ़ेगी, कम होगी, राइट, कम होगी, बट साथ में नेगेटिव आंसर है. तो नेगेटिव के साथ अगर कोई चीज कम हो रही है तो दैट मीन्स वो इंक्रीज हो रही है. एनर्जी इज मोर, जितने ज्यादा साइज का ऑर्बिट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी, उतना ज्यादा टाइम पीरियड, लेकिन उतनी ही कम स्पीड. ये समझ. और एक और बात, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है मान लीजिए, तो जैसे ऐसे सैटेलाइट अपनी लोकेशन चेंज करेगा, जैसे ऐसे सैटेलाइट की लोकेशन चेंज होगी, मतलब वो यहां से मान लो यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, अपने पोजीशंस चेंज करे वो, यस, तो सैटेलाइट की पोजीशन चेंज हो रही है इन द सेम ऑर्बिट, इन द सेम ऑर्बिट. तीनों एनर्जी इंडिविजुअली कंजर्व रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी. लॉजिकली है, क्योंकि अगर वो, क्योंकि आंसर में तो रेडियस है ना आपको, रेडियस, तो उस ऑर्बिट में हम यहां पर हैं, चाहे यहां पर है, चाहे यहां पर है, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, ऑर्बिट में आप कहीं भी हो, उस ऑर्बिट में हम कहीं भी हैं, जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर, वही काइनेटिक एनर्जी यहां पर, वही काइनेटिक एनर्जी यहां पर, जो पोटेंशियल एनर्जी यहां, वही पोटेंशियल एनर्जी यहां, वही पोटेंशियल एनर्जी यहां, टोटल भी. बट ये चीज तभी होगी जब ऑर्बिट सर्कुलर, क्योंकि सर्किल की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर सारा मोशन हो रहा है. नहीं भैया गलत, देखो फंसोगे आप लोग. तीनों एनर्जी आर का फंक्शन है यार, और सर्किल में आर कांस्टेंट होता है, इसलिए वो कांस्टेंट रहेंगे एनर्जी. कंजर्वेटिव वाली बात नहीं हो रही है, कंजर्वेटिव की वजह से तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी. ये दोनों के इनका कंजर्वेशन कंजर्वेटिव की वजह से नहीं हो रहा, इनका कंजर्वेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आर चेंज नहीं हो रहा है. ओके सर, एक्सेप्शन रीजनिंग में ये सब फंसेगा अगर सही तरीके से नहीं गया तो. नाउ इसके बाद पूछते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस में है इसका क्या सिग्निफिकेंस है. तो फिजिक्स में नेगेटिव टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या नेगेटिव एनर्जी का सीधा सा मतलब ये होता है फिजिक्स में, दैट दिस पार्टिकल इज बाउंडेड विद द प्लैनेट. और बाउंडेड का मतलब फिजिकल बाइंडिंग नहीं, बाउंडेड का मतलब ऐसा नहीं कि रस्सी से बांध दिया, बाउंडेड वर्ड का मतलब है कि इट इज बाउंडेड, रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. इसके चक्कर लगाना, इसकी मजबूरी कह लीजिए आप, रेस्ट्रिक्शंस हैं इसकी, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द माइनस एनर्जी. इट हैज टोटल नेगेटिव एनर्जी, सो इट इज बाउंडेड टू रिवॉल्व इन द ऑर्बिट. If by any means we can make this energy positive, the binding between these two will break,
and the satellite will become free satellite. And instead of revolving, it will move away from the planet and it will move to a point out of its gravitational field. Escape कर जाएगा वो. मैं फिर से पूरी बात रिपीट कर रहा हूं वरना लिखा हो तो. नेगेटिव साइन इन द टोटल एनर्जी. नेगेटिव साइन इन द टोटल एनर्जी इट इंडिकेट्स बाइंडिंग बिटवीन द टू मासेस. बाइंडिंग बिटवीन द टू मासेस. ये कुछ वैसे ही बाइंडिंग्स हैं जो केमिस्ट्री में आप बॉन्ड के नाम से पढ़ते हो, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड, वेयर टू इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर. फिजिक्स में जो बॉन्डिंग होती है वो एनर्जी के सेंस में देखी जाती है. इफ एनर्जी इज नेगेटिव द पार्टिकल्स आर बॉन्डेड, मतलब दे विल रिमेन इन इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर. एक दूसरे को छोड़ के जा नहीं सकते आप. ये फिजिक्स के हिसाब से बोल रहा हूं. और ये सिर्फ ग्रेविटेशन में नहीं, कहीं पर भी टोटल एनर्जी अगर माइनस में है, आप रिकॉल कर लेना एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी एनर्जी माइनस में ही आती है. यस सर. हाइड्रोजन के केस में ये एनर्जी माइनस 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बट माइनस में होती है. पहले शेल में माइनस में होती है. यस सर. सर्कल इतनी दूर तो वो इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाता है. नेगेटिव एनर्जी का मतलब बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब आपको इसके चक्कर ही लगाने पड़ेंगे, आप कुछ कर नहीं सकते हो. सो द नेगेटिव साइन इन टोटल एनर्जी इंडिकेट्स द बाइंडिंग बिटवीन द टू मासेस. इफ समहाउ द टोटल एनर्जी बिकम्स पॉजिटिव, द सैटेलाइट विल बिकम फ्री सैटेलाइट. Free satellite, and then it will stop revolving and it will move far away from this planet, far away from this planet. जहां पर planet का इसके ऊपर कोई gravitational influence ही न बचे. मैंने कहा इफ समहाउ वी कैन मेक दिस एनर्जी पॉजिटिव. अब वो समहाउ हमको ढूंढना है कैसे होगा, बट इफ वी कैन मेक, पहली बात तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मिनिमम कितनी एनर्जी दोगे इस टर्म को पॉजिटिव करने के लिए. ये माइनस में है. मिनिमम मिनिमम कितना ऐड कर दें ताकि ये टर्म माइनस से पॉजिटिव में जाए, मतलब जीरो हो जाए एटलीस्ट. And this is called as binding energy of satellite. The minimum required energy to make total energy zero or positive. Total energy में को zero तक लाने के लिए जितनी energy चाहिए आपको, that is binding energy. मतलब अगर हम ये इतनी एनर्जी किसी भी तरीके से इस सैटेलाइट को दे देते हैं, किसी भी तरीके से इतनी एनर्जी इसको दे दें, अब वो तरीका हमारा पार्ट नहीं है, वो तरीका इसरो वालों का है, वो करेंगे, कैसे देना है वो उनका काम है. बट समहाउ अगर हम ये एनर्जी इस सैटेलाइट को देते हैं तो कंसिक्वेंस क्या होगा उसका, क्या रिजल्ट बन जाएगा इफ वी प्रोवाइड दिस एनर्जी टू द सैटेलाइट. नंबर वन, ग्रेविटेशनल फील्ड से वो मिल जाएगी, इस पर चलेगी. इट विल स्टॉप रिवॉल्विंग, इट विल स्टॉप मूविंग इन द ऑर्बिट एंड इट विल मूव फार अवे फ्रॉम दिस प्लेनेट. फार अवे मतलब इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस आगे निकल जाएगा. उसको बोलते हैं कि सैटेलाइट ऑर्बिट से एस्केप कर गया. और एस्केप करके इन्फिनिटी पे चला गया.
इन्फिनिटी पर जा करके उस सैटेलाइट में मोशन होगा या नहीं होगा? हमने इतनी एनर्जी किसी भी तरीके से सैटेलाइट को दे दी, कंसिक्वेंस ये हुआ कि इसने रिवॉल्व करना बंद कर दिया और इस प्लेनेट से बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर, इतनी दूर चला गया कि इसका ग्रेविटेशन वहां पर कुछ नहीं कर सकता। उतनी दूर जाने के बाद क्या तब भी ये सैटेलाइट मोशन कर रहा होगा? बिकॉज अभी तो ये मोशन कर रहा है, अभी इसके अंदर वेलोसिटी है। राइट नाउ द सैटेलाइट हैज सम स्पीड, वी आर प्रोवाइडिंग दिस एनर्जी टू द सैटेलाइट, इट विल मूव अवे फ्रॉम द प्लेनेट, दूर जाएगा इससे, इनफाइनाइट डिस्टेंस। फ्री स्पेस में होगा तो सर हाँ, विल द सैटेलाइट अगर फ्री स्पेस में सर कोई फोर्स तो सर वो चीज मूव करेगा, अगर किसी और प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में आके फिर इसकी सैटेलाइट किसी प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये मान लो आप, और कोई प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में नहीं जा रहा वो, सर तो मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करेगा, क्या रीजन है उसका? सर उसकी टोटल एनर्जी फिर जीरो हो जाएगी। राइट, और सही बोल रहे सर, यही समझदार है। ठीक है ठीक है, हम लोग ये एनर्जी जब सैटेलाइट में ऐड कर देंगे तो इसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बिकॉज इसके पास माइनस में एनर्जी है और हम उतना ही एनर्जी और दे रहे हैं, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव उसमें ऐड कर रहे हैं, सो वी आर मेकिंग द टोटल एनर्जी जीरो, वी आर मेकिंग इट्स टोटल एनर्जी जीरो बाय गिविंग दिस मच एनर्जी। विद द टोटल वैल्यू जीरो, विद द टोटल एनर्जी जीरो, the satellite will move to infinity where potential energy is zero. Infinity par hum pehle se hi potential energy ko zero bolte, so total energy is zero. Total energy has become zero, satellite is going to infinity where potential is also zero. So if total is zero, potential is zero, kinetic will also be zero. Sir, जब कल की क्लास में आप gravitational potential energy का derivation कर रहे थे, तो सर उसमें आपने work done by gravitational force को negative माना क्यों था starting में? अभी आप कल वाला अभी नहीं बता पाएंगे, देखो क्योंकि वो सिर्फ comments में क्या होता है। एक मिनट complete हो जाने दो, अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा आप रुक जाओ, out of the topic के पूछ लेना doubt, इसको complete करने दो, इसका आंसर लिखो, मतलब ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि इफ वी प्रोवाइड दिस मच एनर्जी व्हिच इज जी एम स्मॉल एम बाय 2r टू द सैटेलाइट, व्हाट विल हैपन? तो व्हाट विल हैपन के आंसर्स हैं, इट विल स्टॉप रिवॉल्विंग, इट विल मूव टू द इंफिनिटी एंड देयर इट विल हैव नो स्पीड, नो एनर्जी, बट if we give energy more than this value, if we provide energy which is more than this value, tab matlab itna aur plus usse constant velocity se chalta rahega, kuch surplus energy de de, kuch surplus extra bhi de do, to jo surplus aur extra energy aap doge, wo surplus extra energy hai, for example bata raha hu dekho, aise मान ले जस्ट फॉर एग्जाम्पल की ये वैल्यू -30 joules है, ये सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं, तो अगर मैं +30 joule करूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, सैटेलाइट इनफाइनाइट पर चला गया, जीरो स्पीड। लेकिन अगर मैं +40 कर दूं तो ये टोटल प्लस एनर्जी उसके पास, तो कितनी सरप्लस एनर्जी हो गई, -30 में +40 किया आपने तो 10 जूल सरप्लस एनर्जी आई, और ये सरप्लस एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक के फॉर्म में या पोटेंशियल के फॉर्म में? इन्फिनिटी पर जाकर के काइनेटिक होगी, क्योंकि इन्फिनिटी पर एनर्जी पोटेंशियल जीरो, तो एनी सरप्लस एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक।
any surplus energy will be in form of kinetic. इसका मतलब जानते क्या हुआ? इसका एक और मतलब है, अगर मैं कहूं कि गिविंग गिविंग एनर्जी ऑफ गिविंग एनर्जी ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय टू आर, मतलब अगर हम ये एनर्जी देते हैं इसको, तो ये एनर्जी सैटेलाइट के कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एट दिस पॉइंट, मतलब जब ये रिवॉल्व कर रहा था उस समय किसी तरीके से अगर हम ये एनर्जी इसको दे देते हैं तो ये इस एनर्जी की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करेंगे या पोटेंशियल को चेंज करेंगे? काइनेटिक। हाँ, तो ये वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में था, any external work done, any external work done is always change of energy. If we are providing energy from external source, if externally we are providing any energy, that energy will go into the kinetic form. So iske paas already half small m aur iska square, itni kinetic energy pehle se hi thi, हमने इतनी एनर्जी और दे दी, नाउ इट विल हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गिविंग एनर्जी ऑफ दिस मच मींस मेकिंग मेकिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इतना पहले से है इतना और ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके देख लो, मींस मेकिंग काइनेटिक एनर्जी जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, जो पहले से काइनेटिक एनर्जी और जो दे रहे हैं इनको ऐड करके मेकिंग दिस मच काइनेटिक एनर्जी, और इसको हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर से कंपेयर करें, हाफ एम वी स्क्वायर और मेकिंग वी इक्वल टू रूट ऑफ टू जी एम बाई आर, स्पीड इतनी कर रहे हो, गिविंग दिस मच एनर्जी मीन्स मेकिंग काइनेटिक एनर्जी दिस मच और मेकिंग स्पीड इक्वल टू दिस मच, जबकि यहां पर स्पीड कितनी है, पहले ये एनर्जी देने से पहले, इतनी एनर्जी देने से पहले जो स्पीड है वो ये है, ये एनर्जी देने के बाद अब ये स्पीड हो गई, जो कि अराउंड 1.414 ऑफ प्रीवियस स्पीड है। यस सर। रूट टू की वैल्यू रखी है वहां पर। सो गिविंग दिस मच एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 41.4%, giving this much energy means we are increasing the speed from the present value by 41.4%, इतनी बढ़ा दो आप तभी ये 1.414 बन जाएगा। So ये भी पूछते हैं कि for a revolving satellite, if you increase the speed by this much percentage, what will happen? Increasing speed by this much percent is similar to giving this energy. और इसका consequence अभी लिख चुके हो कि ये energy देने का consequence क्या होगा यहाँ पर? ये revolution बंद करेगा, infinity पे चला जाएगा, मतलब ये escape कर जाएगा।
यस ठीक है, ये हो गया कंप्लीट सर्कुलर मोशन के आपके सर्कुलर सैटेलाइट्स की कंसेप्ट क्वेश्चन आंसर के साथ में। जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो गारंटीड इसी लेक्चर में से ही आने, जितने भी बन सकते हैं वो सब डिस्कस हो गए। अच्छा सर्कुलर मोशन पे ऑलमोस्ट पूरी क्लास चली गई, बट उसका पर्पस था मेरा, बिकॉज अगर सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट समझ में आ गए तो इलेप्टिकल ऑर्बिट भी अपने आप आ जाएगा। एचसीवी में ऑब्जेक्टिव वन, सॉरी ऑब्जेक्टिव टू, एचसीवी ऑब्जेक्टिव टू, फोर्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन में किस टाइप के ऑर्बिट्स की बात की गई है? फोर्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन में इलिप्टिकल, इलिप्टिकल ऑप्टिकल, तो इनके बारे में भी जानना पड़ेगा और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सर्कुलर के बाद ये मतलब हार्डली 5 से 7 मिनट का टॉपिक लगता है। इफ द ऑर्बिट इज एलिप्स, ऑर्बिट इज एलिप्स, तो इसमें नंबर वन कंसेप्ट क्या होता है? जो केपलर लॉ भी है, ये केपलर्स लॉ भी है कि अगर इलेप्टिकल ऑर्बिट है तो जिसके अराउंड आप रिवॉल्व करोगे वो उस एलिप्स के फोकस पर होगा। इफ अ सैटेलाइट इज मूविंग इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट इंस्टेड ऑफ सर्कल, इट इज मूविंग इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट, तो नंबर वन, इन केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट this mass was at the center of orbit, now the mass is at the focus of orbit, difference samjhiyega। circular orbits ki conditions thi capital M should be at the center, now conditions kya hai? capital M should be at the focus, aur ye baat abhi nahi samajh mein aa sakti agar math mein padh liya hua to aa jayega, nahi to nahi aayegi। अगर कोनिक सेक्शंस का एलिप्स वाला चैप्टर हो गया होगा तो आप समझ जाओगे फोकस क्या होता है। ये सर पता है, ये सर स्कूल में पढ़ा, तो तब समझ जाओगे। सर यानी पूरा प्लेनेट होना चाहिए ना फोकस पे विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ प्लेनेट, सेंटर ऑफ प्लेनेट मस्ट बी एट द फोकस ऑफ ऑर्बिट। देखो अभी इसके पीछे क्या बोला था, इसके पहले अभी आप क्या चल, हम लोग कितनी देर से बहस कर रहे थे वहां पर, जो हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे थे उसमें हमने क्या कहा था, जहां पर ऑर्बिट का सेंटर है वहीं पर अर्थ का सेंटर होना चाहिए, कहा था अभी थोड़ी देर पहले सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ऑर्बिट का फोकस अर्थ के सेंटर पे होना चाहिए। यस मतलब दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ अर्थ व्हिच इज एट द फोकस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। यस सर ठीक है, आप समझ में आया आपको? उसके बाद एलिप्स है तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। इसकी अपनी एक मेजर एक्सिस होती है विच इज डिनोटेड बाय 2a। ये सब मैथ है तो इसमें हम मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा, ये मेजर एक्सिस है और इधर सेंटर से जो ऐसी लाइन जाती है बिल्कुल परपेंडिकुलरली, इसे डिस्टेंस को भी हम कुछ डिनोट करते हैं। यार ये अगर ये डिस्टेंस डिनोट करें तो यूजुअली ये 2b डिनोट करते हो और इसको कहा जाता है माइनर एक्सिस। मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड हो सकती है वो मेजर एक्सिस है और जो सबसे छोटी साइड है वो माइनर एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ एलिप्स और फोकस ऑफ एलिप्स में फर्क है। सेंटर ऑफ एलिप्स इज डिफरेंट देन द फोकस ऑफ एलिप्स, इनमें एक अलग कंसेप्ट होता है। ये मैथ के किसी भी बुक में मिल जाएगा तुमको कोनिक सेक्शंस के अंदर। सर्कुलर ऑर्बिट्स में मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में ऑर्बिट का सेंटर और प्लैनेट का सेंटर कॉमन था, इसमें ऑर्बिट के सेंटर पर प्लैनेट नहीं है, ऑर्बिट के फोकस पर प्लेनेट है।
उसके अलावा इस क्वेश्चन में जैसे ऐसे प्लेनेट मूव करेगा दो तीन बातें ध्यान रखने वाली। एक जो हमारे टाइम सुनिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था विच वॉज 2π/√(G)/m और स्मॉल r टू दी पावर 3/2, ये हमारा फॉर्मूला था सर्कुलर ऑर्बिट्स में, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स हमारा ये फॉर्मूला था। हमने कहा ना हम डेरिवेशन अब नहीं करेंगे बिकॉज काफी टाइम उसमें दिया है, यहां सिर्फ उसको कॉपी करेंगे। इलेप्टिकल ऑर्बिट में स्मॉल r की जगह पर हाफ मेजर एक्सिस रखेंगे, हाफ मेजर एक्सिस, दैट मीन्स टाइम पीरियड इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट इज 2π/√(gm) और स्मॉल a टू दी पावर 3/2। चेंजेस नहीं करेंगे कुछ, मतलब सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे, सर्कुलर के लिए ये, इलिप्स के लिए ये, मतलब जहां जहां सर्कुलर वाले में रेडियस है वहां वहां इलिप्टिकल वाले में ए कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए जस्ट नाउ एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, -g(m)(2r), ये दो रिजल्ट्स हमने सर्कुलर ऑर्बिट्स के पढ़े हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट में टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये और इलिप्टिकल ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला -g(m)(2a) एनर्जी फॉर्मूला। Yes, एक बस इसमें फर्क इतना रहेगा, इसमें सैटेलाइट मान लीजिए इस पॉइंट पर है, इसको और इसको एक नाम देते हैं यार, इसको एस्ट्रोफिजिक्स में इन दोनों पॉइंट्स को स्पेशल नाम दिए गए हैं, पेरिहेलियन और पेरिजियन, पेरिजी और पेरिहेलियन या पेरिजी, और इसको इसको ये जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है एपोजी या फिर एपिहेलियन, ये मतलब एस्ट्रोफिजिक्स के टर्म्स हैं, आप छोड़ दो। इसमें बस अभी मैंने सर्कुलर मोशन में बात कही थी कि सर्कुलर मोशन जब होता है तो सैटेलाइट कहीं पर भी चला जाए उसके पास सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम पोटेंशियल एनर्जी, सेम टोटल एनर्जी, ये चीज यहां नहीं होती। जब सैटेलाइट पॉइंट पी पर होगा और जब सेम सैटेलाइट पॉइंट ए पर होगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं आएगी इसकी, सर यही डिफरेंस सर्कुलर और एलिप्स में। सुनिए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, दे आर नॉट इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, नॉट इक्वल। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट पी एंड मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, दे आर इक्वल बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव बिहेवियर। सो पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड बाय -g(m)(2r), इसमें r का टर्म है, डिस्टेंस ज्यादा होगा, पॉइंट p इस मास के ज्यादा क्लोज है, p पे ज्यादा होगा। इफ हाँ, तो अगर r कम है तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, लेकिन बाहर एक माइनस वेट कर रहा है इसका, डिवाइडेड बाय r होगा मेरे हिसाब से शायद, मतलब 2r की जगह से। नहीं भाई देखो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में r है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में यहाँ जो r देख रहे हो, ये दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस है। यस सर। तो अगर फोकस से p वाला पॉइंट हमारा r1 डिस्टेंस है और फोकस से ये वाला पॉइंट r2 डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट p ये लिखा जाएगा -g(m)(2r1), दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस, और पोटेंशियल एनर्जी एट ए लिखने के लिए
माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई टू आर टू, एक्चुअली सर्कुलर ऑर्बिट में ये वाला मास सेंटर पे था तो दोनों तरफ के लिए सेम डिस्टेंस थी हमारे पास। अभी ये मास फोकस पर है तो एक तरफ से ज्यादा कम डिस्टेंस हो जाएगी, एक तरफ से बड़ी डिस्टेंस हो जाएगी। और कौन सा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इसमें से? सर ए वाले पे। ये वैल्यू कम है न्यूमेरिकली, ये जरूर ज्यादा होगा लेकिन माइनस साइन की वजह से ये कम हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी ए पर ज्यादा है। टोटल दोनों पे सेम है, पोटेंशियल काइनेटिक का समेशन सेम है, मतलब सब पी पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये कंडीशन आएंगी। यानी यहां पर सैटेलाइट फास्ट मूव करेगा, यहां पर फास्ट मोशन होती है और जब वो मास से दूर निकल जाते हैं तो धीरे धीरे चलता है, स्लो मोशन होते हैं। यस सर, नाइन्थ में पढ़ा था वो एंगल। बिल्कुल पढ़ा होगा आपने ये सब चीजें बेसिकली, कि सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स सन के जब पास आते हैं तो वो तेज चलते हैं, दूर जाने पर धीमे धीमे चलते हैं। सर ड्यूरेशन ऑफ सीजंस इसलिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सीजंस का, ये वेदर वाला जो रिजल्ट आता है उसका सीजंस के, वो इसका कंसेप्ट है। बिकॉज काइनेटिक पोटेंशियल आर चेंजिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट बट द टोटल एनर्जी इज नॉट चेंजिंग। सर्कुलर में ऑल द थ्री फॉर्म ऑफ एनर्जीज वर कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट। एलिप्स में मैकेनिकल इज कॉन्स्टेंट, अदर टू आर वेरिएबल्स। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहां पर तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी यहां पर। एंड इफ वी नो द डिस्टेंसेस और इफ इन द न्यूमेरिकल्स द डिस्टेंसेस आर प्रोवाइडेड, इफ इन द न्यूमेरिकल्स द डिस्टेंसेस आर प्रोवाइडेड then we can find out potential energy and we know the total energy. This is the total energy. If distances are given, we know the potential energy. Total energy and potential energy dono pata chal gaye. Can we find the kinetic energy at point P? Yes sir. Total energy is predefined by the formula. If distance of satellite from this mass is given, if the distance of satellite from the mass is given, we can write down the potential energy using this result. So if two energies are given, we can find out kinetic energy. Or in other words, you can find out speed at this point. मतलब question में A दिया हो, R1 दिया हो और R2 दिया हो, तो क्या ये पॉसिबल है पॉइंट P पर स्पीड निकालना? यस सर, पॉसिबल होगा। पॉइंट A पर भी निकाल सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी सर, ये पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर टू और आर वन नहीं होना चाहिए, टू आर टू और टू आर वन की जगह? अरे ओहो सॉरी यार, ये टू नहीं होगा, ऐसा ये गड़बड़। थैंक यू यार, टू नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट सर कम हो जाएगा पूरी तरीके से, जब ये प्लेनेट यहां कहीं पर होगा या कहीं पर भी हो, सुनिएगा, आपको फ्रेश डायग्राम एक बनाना होगा, एक एलिप्स जल्दी से फ्रेश डायग्राम। सर ई में टू होगा? हाँ उसमें तो टू होता है, वो तो सर्कुलर में डेरिवेशन किया है ना। हाँ सर, वो तो वहां से देखा है, ये तो हमने ये गलत लिख दिया था। एक बहुत जल्दी से काम देखते हैं, इसको क्लोज कर दे। हमने मान लिया सैटेलाइट यहाँ कहीं पर है, आप एक फ्रेश डायग्राम बनाना, सैटेलाइट यहाँ कहीं पर है,
और कैपिटल एम से हमने सैटेलाइट को कनेक्ट कर दिया और ये वेक्टर आर हो गया, पोजीशन वेक्टर कह सकते हो, और इस सैटेलाइट की अपनी एक वेलोसिटी होगी जो टेंजेंट की तरफ, इस सैटेलाइट की अपनी एक वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। हम उसके बाद क्या करते हैं, यहां से इसको कनेक्ट कर देते हैं, मतलब ये कह रहा हूं मैं कि ये सैटेलाइट यहां पर एट सम टाइम टी था, एट सम टाइम टी कुछ टाइम के बाद ये सैटेलाइट थोड़ा आगे आ गया, यहां पर आ गया, ये टाइम टी प्लस डी टी। क्या इलेप्टिकल ऑर्बिट में हम सेम स्पीड से चलेंगे? अभी एक बार बताइए कि यहाँ फास्ट हो यहाँ स्लो हो क्या समझ में आ रहा है? क्या ड्यूरिंग मोशन स्पीड मेंटेन है हमारी? नो सर। लेकिन अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो सर तब मेंटेन हो सकती है, तब मेंटेन हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर हमारी स्पीड वी है, सपोज यहां पर स्पीड v है जो आगे बदल जाएगी, तो इतने छोटे टाइम के अंदर जो हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, उसको वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं v dt, क्योंकि इतने छोटे टाइम में स्पीड कांस्टेंट हो गई तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है? यस सर। अब ये एरिया कितना बनेगा देखो, क्लास 11th अभी भी चली रही है, टॉपिक वेक्टर्स, और ये एक फॉर्मूला हुआ करता था कि अगर आपके पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और पैरेललोग्राम बन जाए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिजल्टेंट देता था, ए क्रॉस बी वाज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिराइव्ड इन द चैप्टर वेक्टर। और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ कर देंगे, तो ये जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हाफ एक वेक्टर आर है और दूसरा वेक्टर वी डी टी है। इस एरिया को हम डी ए लिखेंगे। और फिर हम कह सकते हैं कि dA डिवाइडेड बाय dt इज हाफ r क्रॉस v। इसमें हम अब मास m से मल्टीप्लाई करेंगे और मास m से डिवाइड भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो चीज है ऊपर r क्रॉस mv, रोटेशनल मैकेनिक्स में इसको कुछ नाम दिया गया है, एंगुलर मोमेंटम। सो dA अपॉन dt व्हिच इज नोन एज एरियल वेलोसिटी इज हाफ एंगुलर मोमेंटम अपॉन मास, मतलब l by 2m। एरियल वेलोसिटी इज एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास।
और इस सैटेलाइट पर परमानेंटली ग्रेविटेशन की फोर्स होगी जो कि मास की तरफ होगी. फोर्स विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स दिस मास. तो इसका टॉर्क इस मास के अबाउट यानी फोकस के अबाउट जीरो होगा. फोर्स इज टुवर्ड्स द फोकस एंड इसका टॉर्क अगर फोकस के अबाउट निकाले जीरो आएगा. और रोटेशनल मैकेनिक्स कहती है कि अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है. दिस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. हेंस एरियल वेलोसिटी इज आल्सो कंजर्व्ड एंड दिस इज सेकंड लॉ गिवन बाय द केपलर. थर्ड लॉ, तीसरा लॉ तो वो था कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके. फर्स्ट लॉ मैथमेटिकल नहीं है. फर्स्ट लॉ में तो उन्होंने कहा था कि एलिप्स में ये मास फोकस पे होता है, मतलब वो एक इंफॉर्मेटिव लॉ है. सेकंड वाज व्हेन द सैटेलाइट मूव इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट दिस एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. Why? Because of angular momentum of planet or satellite. Because of conservation of angular momentum. Because of conservation of angular momentum. मतलब Kepler's second law is consequence of conservation of angular momentum. It's the consequence of conservation of angular momentum. Objective 1 का 12th question आप try करोगे इसके बाद. Objective 1, 12th. Objective 1 का 12th question try करेंगे. सर वैसे quantity को aerial velocity क्यों कहते हैं? अब वो नाम दे दिया उन्होंने यार. वो actually उनका ये कहना है कि जैसे ये रेडियस है, हम रेडियस को रोटेट करेंगे तो एरिया स्वीप करेंगे. मतलब जैसे झाड़ू लगाई जाती है तो झाड़ू को जब जमीन पर रखते हैं तो उसको ऐसे रोटेट करते हैं. यस सर. तो झाड़ू से एग्जांपल लिया था, मतलब कि स्वीप करने के एग्जांपल से कि अगर हम कोई चीज ऐसे रोटेट करेंगे तो वो साफ होता जाएगा. तो इन्होंने रेडियस वैक्टर को ऐसे मान लिया कि रेडियस वैक्टर रोटेट हुआ तो इतना एरिया स्वीप किया हमने. इनके लॉ में भी यही लिखा है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करते हैं. बस सिर्फ उतना नाम रखा है, बाकी उसको छोड़ दो आप. क्या मतलब है इनका? इनका कहने का मतलब है कि जो रेडियस वेक्टर होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में जितना एरिया कवर करेगा वो एरिया पर यूनिट टाइम की वैल्यू कॉन्स्टेंट चलेगी. बस इतना नाम दिया, कोई ऐसा मतलब नहीं है इसका. क्योंकि जब केपलर ने यह कहा कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो लोगों ने उनको समझा दिया कि भाई तुम्हारा कोई नया लॉ नहीं है, तुम जो बोल रहे हो वो काफी टाइम पहले लोग एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में बोल चुके हैं. यस सर. मतलब केपलर्स लॉ इसीलिए इतने भी फेमस नहीं है क्योंकि आपने कोई नई चीज थोड़ी बताई, मतलब एक हिडन फैक्ट अनकवर कर रहे हो. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ये बात तो न्यूटन ने बताई, उसकी वजह से एक फैक्ट था, आपने एक तरीके से बस उस फैक्ट को डिस्क्लोज कर दिया कि हाँ ऐसा भी होगा. तो ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. सो एलिप्टिकल ऑर्बिट की प्रॉपर्टीज भी डन हो गई. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, दो चीजें जो न्यूमेरिकल्स में बहुत काम देंगी हमें इलेप्टिकल ऑर्बिट्स के न्यूमेरिकल में. नंबर वन, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व एंड नंबर टू, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व. नंबर थ्री, काइनेटिक पोटेंशियल आर चेंजिंग, दे आर नॉट कंजर्व. एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट, काइनेटिक पोटेंशियल कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, और सर्कुलर मोशन में चारों कॉन्स्टेंट.
ठीक है? यस सर।